हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आयुष परूर घोष। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, जनरली एक ब्रीफ उसके बारे में ही मैं बात करूँगा। आपने ये टर्म ज़रूर सुना होगा कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता क्या है? जनरली आप जब कार परचेज करने जाते हो तो या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी जा रहे हो या तो हाइब्रिड में। तो हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन दोनों में ही आपको ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का टर्म सुनने को मिल रहा होगा। तो ये होता क्या है? ये एक मैकेनिज्म है, सिंपल एक मैकेनिज्म है जो आपकी गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कब? जब आप इसको एक्टिवेट करते हो तो ये व्हीकल को स्लो डाउन करती है। जो आप मान लीजिए एक सर्टन स्पीड पे जा रहे हो एंड एक्सलरेशन आपने छोड़ दिया, तो वो वहाँ से वो स्पीड को डाउन करते हुए, मतलब वहाँ आपकी ब्रेकिंग काम में आ रही है, तो इसलिए इसका नाम है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो वहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड जब आपकी नीड होगी, मतलब आपको मान लीजिए अभी नीड नहीं है तो वो स्टोर हो गई, और जब नीड आएगी तब वो आपको थ्रॉटल के साथ पुशबैक दे देगी। तो इससे क्या होगा, आपकी माइलेज भी इंक्रीज होगी एंड गाड़ी की एफिशिएंसी भी अच्छी मिल जाएगी आपको। तो इसमें आपकी एफिशिएंसी करीब 65-70% तक एनहांस हो जाती है। होप आप सबको ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पसंद आया हो अबाउट रीजनरेटिव ब्रेकिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।